जनमन की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट के 4 बजे बड़े जजों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर वरिष्ठ जजों की बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। कहा, हमने चिट्ठी लिखकर चीफ जस्टिस के सामने उठाए थे कई गंभीर मुद्दे, लेकिन नहीं मिला जवाब। दीपक मिश्रा को लिखी चिट्ठी भी सार्वजनिक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा, न्यायपालिका में अनियमितताओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से बात की थी। अब देश को विचार करना है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चले या नहीं। चीफ जस्टिस को लिखी 7 पेज की चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास। जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये मुद्दा भी हमने सीजेआई के सामने रखा था। केस किस बेंच में सुनवाई के लिए जाएगा, इस पर भी विवाद। पत्रकारों ने जब जजों से पूछा कि क्या इस मामले का जज लोया की संदिग्ध मौत की सुनवाई से लेना देना है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गोगोई ने हां कहा। आपको बता दें कि जज लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की जांच कर रहे थे और उनके संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। जजों के झगड़े से सरकार ने पल्ला झाड़ा। एबीपी न्यूज से सरकारी सूत्रों ने कहा, न्यायपालिका का ये अंदरूनी मामला जज खुद सुलझा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चीफ जस्टिस से जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के विवाद पर बोले राहुल गांधी, न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा, जज लोया की मौत की जांच सही तरीके से हो। जज लोया विवादित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के ट्रायल जज थे। 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जजों के बोलने का लोकतंत्र पर दूरगामी असर होगा। जज लोया की मौत की जांच वरिष्ठ जज से कराने की मांग की। 4 जजों ने उठाया था जज लोया की मौत का मामला। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जज विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर बैठक हुई है, जिसमें पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, वरिष्ठ वकील और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, कल तक मामला सुलझने की उम्मीद जताई। बोले, जजों को मिलकर काम करना चाहिए। वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने कहा, चीफ जस्टिस मिश्रा का नाम मेडिकल कॉलेज केस में है, जिनमें उन पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप है, इसीलिए वो अपने तरीके से सुनवाई चाहते हैं। शांति भूषण ने कहा कि दीपक मिश्रा को महाभियोग के बाद इस्तीफा देना होगा, तभी जनता में विश्वास पैदा होगा। रिटायर्ड जस्टिस सोढ़ी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की निंदा की है। कहा, पूरे मामले को कोर्ट के अंदर सुलझाना चाहिए था। बोले, पब्लिक इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। खुदरा महंगाई दर 17 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर 5.21% हुई। नवंबर में 4.88% थी खुदरा महंगाई दर। नवंबर में औद्योगिक विकास दर बढ़कर 8.4% रही। दुनिया में पीएम मोदी का डंका बरकरार। विश्व के नेताओं की लिस्ट में मिला 3रा स्थान। चीन के शी जिनपिंग, रूस के पुतिन और अमेरिका के ट्रंप काफी पीछे। गैलप इंटरनेशनल की लिस्ट में सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ही पीएम मोदी से आगे हैं। 2015 की लिस्ट में मोदी को मिला था 5वां स्थान। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा एक और इतिहास। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने लॉन्च किया 100वां उपग्रह PSLV-C40। एक साथ भेजे 31 सैटेलाइट्स। PSLV-C40 भारत में बना कार्टोसेट सीरीज का 7वां आधुनिक उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष में भरक्याक कहा जाता है, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद खास है। इस PSLV-C40 उपग्रह से पाकिस्तान के आतंकी कैंपों और बंकरों पर नजर रख सकेगा भारत, साथ ही चीन के हर सैन्य हरकत की निगरानी भी हो पाएगी। इसरो के 100वें उपग्रह की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी समेत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, अंतरिक्ष में ताकत से दुनिया में बढ़ेगा भारत का मान। उपलब्धि से नए साल में देश को मिलेंगे कई फायदे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि चीन ताकतवर देश होगा, लेकिन भारत भी कमजोर देश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत किसी को भी अपने क्षेत्र में घुसपैठ की अनुमति नहीं देगा। आर्मी चीफ ने चीन की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की रणनीति पर भी बात की। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले से जुड़े 2 और मामलों में कोर्ट में पेश किया गया। ये मामले दुमका डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 4 हफ्ते टली। याचिकाकर्ता पंकज फडणीस ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ता की दलील है कि गांधी जी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई करने वाले विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस मामले में सोमवार को होगी अगली सुनवाई।
दिल्ली से सटे नोएडा में युवा उत्सव को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का सीएम योगी ने नोएडा पहुंचकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि युवा जीवन ही हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करता है। बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर महिलाओं ने की पत्थरबाजी। कुछ सुरक्षाकर्मियों को चोटें आईं। मुख्यमंत्री यहां विकास समीक्षा यात्रा के दौरान पहुंचे थे। गांव वालों का कहना है कि विकास सिर्फ सीएम को दिखाने के लिए हुआ है, गांव के दूसरे हिस्सों में कोई काम नहीं हुआ। कोलकाता में बीजेपी की बाइक रैली में झड़प। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े। ममता सरकार ने नहीं दी थी बाइक रैली की इजाजत। केरल के एर्नाकुलम में 25 साल की महिला का धर्म परिवर्तन कराकर आईसिस को बेचने की साजिश। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात की रहने वाली महिला की बेंगलुरु में मोहम्मद रियाज से हुई थी मुलाकात। शादी के बाद पति ने जबरन महिला का धर्म बदलवाया। यूपी के बरेली में एक युवक पर लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी का आरोप। शिकायत दर्ज कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को लिया हिरासत में। विवादित इस्लामिक प्रचारक और गंभीर आरोपों में घिरे डॉक्टर जाकिर नाइक को अलीगढ़ के एक स्कूल में इस्लामिक हीरो बताकर पढ़ाया जा रहा है। इस्लामिक मिशन स्कूल में बच्चों को इल्म उन नफे नाम की जो पुस्तक दी गई है उसमें पेज नंबर 20 पर 9 प्रमुख इस्लामिक हस्तियों में जाकिर नाइक शामिल है। ओडिशा के कंधमाल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जालंधर नायक नाम के शख्स ने पहाड़ खोदकर 8 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया। उन्होंने इस काम को 2 साल में पूरा किया। नायक के बेटे को स्कूल तक जाने के लिए पहाड़ को पार करना पड़ता था जो काफी मुश्किलों भरा था। बिहार के नवादा में बाबा सच्चिदानंद के आश्रम में 3 साध्वियों के साथ रेप का आरोप। गोविंदपुर इलाके में है संत कुटीर आश्रम। पुलिस ने 5 सेवादारों और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान के माउंट आबू में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम। आश्रम को बताया कैदखाना। आश्रम में रहने वाली लड़कियों को फौरन उनके माता पिता को सौंपने के निर्देश। नोएडा के मोरना गांव में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर मंचलों ने की लड़की के परिवार वालों की पिटाई। पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई की बजाय परिवार पर ही दर्ज किया शांति भंग का केस। आरोपी फरार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस वाले ने 7 साल की मासूम से किया रेप। लोगों ने की पुलिस वाले की पिटाई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के गोरखपुर में छेड़खाने से तंग आकर खुद को आग के हवाले करने वाली दलित नाबालिग छात्रा ने तोड़ा दम। पीड़ित छात्रा ने 27 दिसंबर को खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इस मामले में 4 आरोपी जेल में हैं। यूपी के बाराबंकी में 11 लोगों की मौत के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जहरीली शराब से मौत की आशंका। प्रशासन ने किया इनकार। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दिया 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। यूपी के मैनपुरी में उद्योगपति मुरली तापड़िया के घर डकैती। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने मुरली की हत्या की और मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुरली घर पर अपनी मां के साथ अकेले रहते थे। सभी आरोपी फरार। प्याज के दाम ने किया लोगों को परेशान। दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में प्याज का भाव 60 रुपए के पार। सरकार ने कहा जल्द कम होंगी कीमतें। जापान में भारी बर्फबारी। 15 घंटे तक ट्रेन में फंसे रहे करीब 400 लोग। रास्ते में भारी बर्फबारी होने से पटरी पर बर्फ जम गई जिसके चलते ट्रेन के पहिए। फिल्म पद्मावत के विरोध में मुंबई में संसद बोर्ड के दफ्तर के बाहर करणी सेना का प्रदर्शन। पुलिस ने करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।